बिहार के लोगों को बहुत सारे आश्वासन दिए थे। बिहार की कई सभाओं में उन्होंने दलितों, ओबीसी, ईबीसी, बाकी तमाम दूसरे सप्रेस्ड क्लास के लोगों को न्याय मिलेगा इस बात का वादा किया था। देश में पहली बार पिछड़ा नेतृत्व के रूप में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में कोई व्यक्ति दिख रहा था। देश भर के लोगों के साथ बिहार भर के लोगों ने भरोसा किया और उसके पहले हमारी पार्टी ने भी उनके ऊपर भरोसा किया। जिस तरह से सोशल जस्टिस से की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, हमारी पार्टी सोशल जस्टिस के प्रति कमिटमेंट रखती है और पिछड़ा नेतृत्व भी नरेंद्र मोदी जी का, तो हम लोग आकर्षित हुए थे और उम्मीद हम लोगों ने की थी कि श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश को एक ऐसी सरकार मिलेगी जो सरकार जिम्मेवारी के साथ सोशल जस्टिस के प्रति अपने वादों को याद रखेगी और काम करेगी। साथ ही साथ बिहार के लोगों की विशेष आशाएं जगी थी, स्पेशल पैकेज की बात की गई थी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद घोषणा की थी कि स्पेशल पैकेज बिहार को मिलेगा, बिहार के किसान, गरीब सभी आशान्वित हुए थे और सब लोगों को लगा था कि चलिए बिहार के लिए अच्छे दिन आएंगे। सब लोगों ने समर्थन दिया, सहयोग दिया, सरकार बन गई, श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। उस मंत्रिपरिषद में एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के कारण मैं भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बना, मुझको भी सदस्य बनाया गया। तब से जो आज तक मैंने देखा है, जो मेरा खुद का अनुभव है, जो उम्मीद थी हमारी और बिहार के लोगों की विशेष रूप से, उन उम्मीदों की कसौटी पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में खरा नहीं उतर पाए। स्पेशल पैकेज की बात की गई बिहार के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे बिहार के लोगों का विकास अलग से दिख सके। बिहार आज भी वही खड़ा है जहां पहले था। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्णतः चौपट है। बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए कुछ भी विशेष रूप से नहीं किया गया। सोशल जस्टिस से मिलेगा, प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी, इस अर्थ में भी जो हमारी उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित होगी, यह हम लोगों की मांग भी थी और हमारी पार्टी के साथ साथ और भी कई राजनीतिक दलों की मांग थी। हमारी सरकार आने के पहले लोकसभा में सभी दल के लोगों के समर्थन से यह बात पारित हुई थी कि जातीय जनगणना होगी। जब हमारी सरकार एनडीए की सरकार आई तो कहा गया कि जातीय गणना, जनगणना का काम पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, इसमें कई तरह की गड़बड़ी भी है। हम लोगों ने कहा कि इन गड़बड़ियों को सुधारिए और रिपोर्ट को प्रकाशित कीजिए, सार्वजनिक कीजिए, लेकिन अब तक उस पर कुछ नहीं किया जा सका। अब तो उस काम को रोक भी दिया गया है, जबकि हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए और हुआ कुछ भी नहीं। देश भर के जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं आज निराश है, और गणना होती तो एक आंकड़ा आता जिन आंकड़ों के आधार पर विकास
ओबीसी के विकास के एजेंडे या कार्यक्रम तय किए जाते, सरकार को भी सहूलियत होती, लेकिन यह काम नहीं हो सका। नतीजा है कि ओबीसी आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कई बार कई मुद्दों पर कोर्ट का हवाला देते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि कोर्ट के कारण कुछ मामलों में ओबीसी या दलितों को जस्टिस देने में कठिनाई हो रही है। उदाहरण के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टीचर्स की बहाली, यह बात सच है कि किसी कोर्ट ने कुछ कहा, लेकिन कोर्ट ने जब कहा सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती थी। हमारी पार्टी ने कई बार एनडीए की बैठकों में और अलग तरीके से, हम उसी विभाग के मंत्री थे इसलिए लगातार अपने विभाग में भी मैंने प्रयास किया, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी जल्दी उनसे संभव हो सकता था वैकेंसी लोग निकालने लगे। पहले वैकेंसी रिक्रूटमेंट का काम, भरने का काम 6 महीना 7 महीना 10 महीना लगता था, बहुत धीमी गति से यह काम होता था। जैसे ही कोर्ट का यह निर्देश और यूजीसी की ओर से यह निर्देश गया, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने लगा जैसे पहले से इंतजार में हो इस आदेश के लिए, और तुरंत तुरंत वैकेंसीज आने लगी, बहाली शुरू हो गई। ओबीसी की हकमारी बड़े पैमाने पर होने लगी, क्योंकि जो बात कही गई थी, जो आदेश जारी हुआ था उसके अनुसार भैया तू आ नहीं रहा है इसमें, उसके अनुसार पूरा जो सिस्टम यूनिवर्सिटी का होता है, तो यूनिवर्सिटी को यूनिट नहीं मानकर, एक डिपार्टमेंट को यूनिट मानकर वैकेंसीज निकाली जा रही थी। अब इसके चलते डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी निकलने के कारण उसमें रिक्तियों की संख्या इतनी कम होती है एक विभाग में कि सभी सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू रूल हो नहीं सकता था। तो नतीजा हुआ कि ओबीसी का हित बड़े पैमाने पर होने लगा, उनके साथ इनजस्टिस होने लगा। बाद में जब कहीं कहीं से बात उठी और हमने भी हस्तक्षेप किया पार्टी की ओर से, तो फिर जल्दी जल्दी में एसएलपी दायर किया गया और कहा गया कि एसएलपी सरकार ने दायर किया है, और फिर लोकसभा में हमारे विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि इस रिक्रूटमेंट को फिलहाल हम लोग रोकते हैं। तब तक बहुत सारी बहाली हो गई थी और इनके नियत का पता चलता है कि दबाव चारों तरफ से हुआ, तब जाकर इन्होंने रोक लगाने की बात की। यह भी कहा गया था हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से और सरकार की ओर से कि ओबीसी में जो ज्यादा पिछड़े हुए हैं उसी कैटेगरी के अंदर ईबीसी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग, उनका वर्गीकरण करते हुए उनकी हिस्सेदारी अलग हम सुनिश्चित करेंगे ताकि उनको लाभ मिल पाए जो लाभ से ज्यादा वंचित है अभी तक। तो आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। बीजेपी से वो अलग हो गए हैं, विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक एक दिन पहले उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया है, मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार जहां खड़ा था वहीं खड़ा है, बिहार के अच्छे दिन नहीं आए, और कयास तेज है कि विपक्षी खेमे में जा सकते हैं कुशवाहा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।